मोटिवेशन 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 जो कि आपको चाहिए होती है। आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पे 2 लाख बच्चा टेस्ट दे रहा होता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो जी इतनी आवाम जो है वो टेस्ट दे रही है, हमारा क्या बनेगा। तो अभी इसमें से सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, सिर्फ 30 या 40 हज़ार बच्चा होता है जो कि डट के मेहनत करता है, जिनको को लगन होती है कि भी हमने एमडीकैट देना है, कुछ चीज़ हमने देनी है, जो करना है हमने आगे काम। उस 30-40 हज़ार में से जो बच्चा अच्छा पढ़ लेता है उसका एडमिशन हो जाता है, जिस जो अच्छा नहीं पढ़ता वो बस फेल आ जाता है। इसमें जो मेन चीज़ काम आती है ना, वो पहली जो चीज़ है जो कि मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि बच्चों खुद से सिंसेयर हो जाओ। देखो किसी से हम सिंसेयर होते हैं या जो भी है वो एक और चीज़ है, लेकिन एक बंदा जो खुद से सिंसेयर हो जाता है, जब वो ये सोचता है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा तो क्या मेरा आगे एडमिशन हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ रहा तो क्या मेरा एडमिशन होगा, जब वो ये चीज़ें सोच लेता है और खुद को जज्बा देता है ना खुद ही कि नहीं भी मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मैं मोबाइल पर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं टेंशन लेकर बैठा हुआ हूँ, मुझे तो पढ़ना चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे अपना सिलेबस कवर करना है, मेरे इतने चैप्टर रह गए, आज मैंने ये टारगेट रखा है कि मैंने इतनी चीज़ें कवर करनी है, तो फिर वही बच्चा आगे जाकर कामयाब होता है क्योंकि वो सोच लेता है कि मैंने खुद से सिंसेयर हूँ मैं। तो आपको पहली जो एडवाइस है ना वो यही है कि खुद से सिंसेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो कि भाई मैंने मेहनत करनी है या मेहनत बगैर कुछ नहीं मिलना। काफ़ी लोग कहते होंगे कि एमडी कैट तो बस ऐसे ही हो जाता है, पास पेपर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं भी हो जाता होगा लेकिन वो जस्ट पास ही होता है। अगर आपने मेरिट में आना है ना, अगर आपने कंपटीशन में आना है कि आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो फिर यही है कि आपने अच्छे से मेहनत करनी है, खुद से सिंसेयर हो जाना है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप लोग बहाने लगा रहे होते हो कि भी नहीं भी बस ये एक घंटा मैं ये काम कर लूँ उसके बाद पढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को छोड़ दो, ये चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अब वो दिन है कि आप अपनी नींद जो है ना वो नींद भी 6 या 7 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि आपने पढ़ना है, आपने काम करना है, जो चीज़ें आपकी रहती हैं वो आपने करनी है। एक बात और, अब ना बच्चे ये सोचते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, हालांकि सारी चीज़ें आ रही होती हैं, वो वैसे हमारे एक माइंड इंसानी के हम सोचते हैं कि पता चीज़ें भूल गए हैं, ये है वो है, तो इस चीज़ से परेशान ना हो करें, अगर आपने पढ़ लिया तो बस उसको रिलैक्स रहा करें कि ये चीज़ आपको आ जाएगी। अब ना बच्चे क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि अल्लाह ना करे अगर मेरा ना हो एडमिशन तो क्या बनेगा। और भी खुदा के बंदो, जब तुम लोगों ने अल्लाह पे छोड़ दिया ना, अगर आपको अल्लाह पे यकीन है तो फिर मायूसी क्यों दिखाते हो, फिर ये क्यों करते हो कभी अगर एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा। जब हम अल्लाह तो कल वो चीज़ करते हैं ना, फिर उसका नतीजा नहीं देखा जाता, फिर उसका अंजाम नहीं देखा जाता कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, फिर शक व शुबहात की चीज़ें नहीं डाली जाती, फिर बस एक पुख्ता यकीन होता है। एक मुसलमान का तो कहता यही है, ईमान यही होता है कि वो जो बात कहता है बस ठीक है भी ये चीज़ ऐसे ही है। तो आपने भी यही काम करना है, आपको जस्ट एक सीट चाहिए अपने हिस्से की, आपको बाकियों से कोई काम नहीं है, उस सीट को हासिल करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। और ये बात है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हो, तो आपकी ये सीट कोई नहीं ले सकता, वो सीट आपको मिलेगी। हम लोग एडमिशन लेके आए हैं, हमें भी नहीं यकीन होता था कभी हमारा एडमिशन होगा, आज कई बार ऐसे सोचे बैठ के सोचते हैं कभी हमारा यहाँ पे एडमिशन हुआ है, हम इतने कंपटीशन के बाद आए हैं, तो फिर अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, बस जो नसीब में लिखा हो वो मिल जाता है। आपकी मेहनत, डिटर्मिनेशन और अल्लाह पे यकीन जो है ना, ये चीज़ें काम आती हैं। तो खुदारा अब जो है ना इस तरह की टेंशन ना लिया करो कि मेरा होगा या नहीं होगा, बस आपका काम है पढ़ना 27 अगस्त तक, जो कि आपके एमडी गेट होना 27 अगस्त को, आपने उसके अकॉर्डिंग बस मेहनत करनी है, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आपने कवर करनी है, और दिन रात ये कर दो, किसी को टाइम नहीं देना, किसी कज़न के साथ नहीं जाना, कहीं फैमिली फंक्शन में नहीं जाना, बस ये वो टाइम है कि जिसमें आप बीमार भी नहीं हो सकते, इसमें आपने अपनी सेहत को भी अच्छा रखना है। तो बच्चों यही चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग मेरी एडवाइस पे जो है अमल करोगे, अल्लाह आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।